यशोमती मैया के नंदलाला। स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी, आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। क्या हुआ पंडित जी? बधाई हो लल्ला, इतना प्यारा नाम मिलो है तुम्हें। नंदराज जी, जब भी मैं लल्ला को देखता हूं तो मुझे भगवान श्री राम की झलक दिखाई देती है। क्यों ना दिखाई देगी, उन्हीं के तो अगले अवतार हैं ये। कभी कभी तो मन में विचार आता है कि एक वो भी समय था जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते थे और हम मानव के बीच में घूमते फिरते खाते पीते थे और अपनी लीला दिखाते थे। मुझे तो लगता है पंडित जी कि कितने भाग्यवान थे महाराज जनक और महारानी सुनैना। उन्होंने माता सीता को जन्म ना दियो और महारानी केकई जिन्होंने प्रभु राम को जन्म ना दियो, फिर भी उनके पालन पोषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। कल्पना करो पंडित जी, कितने पुण्य अर्जित किए होंगे उन्होंने पिछले जन्म में, कितनी तपस्या की होगी कि जिनकी गोद में सारा संसार है वो श्री नारायण और माता लक्ष्मी उनकी गोद में खेले। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज, इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। तो आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिला ही दिए। मैं भी क्या क्या बातें करने लगा, लगता है नाना बनने की प्रसन्नता का प्रभाव है जी। हमारी बिटिया को लक्ष्मी हुई है ना। बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं मैया और उसकी बिटिया से अवश्य मिलने आऊंगी। बधाई हो पंडित जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, वैद्य जी से कुछ औषधियां लेनी है मुझे। नारायण नारायण। आज चल लल्ला, आज सुनो जी, तनिक कान्हा को संभालो, मैं यूं गई और यूं आई। क्या हुआ? मैं देख रही हूं नामकरण के बाद से एक बार भी आपने कान्हा को गोद में ना लिया है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक, अब सब ठीक। लो मेरे लल्ला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। यादवों का कुलगुरु होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्री। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, उस समय के लिए मैं अपने कर्तव्य से भटक गया था। सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है,
जो नाम मैंने दिया है। आप मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपको इतनी दुविधा में डाल दिया। और इस तरह नंद को सब कुछ पता चल गया। आप दोनों चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब मैं आपके 6 पुत्रों का श्राद्ध कर्म करूंगा। क्या हुआ जो मैं तेरा वास्तविक बाबा ना हूं? क्या अंतर पड़ तू कि तुम मेरे आराध्य के अवतार? महत्वपूर्ण बात तुझे है कि मुझे तुम्हारे साथ मुस्कुराने को, तुम्हें खिलाने को, तुम्हारा ध्यान रखने को, तुमसे प्रेम करने को सौभाग्य प्राप्त हो। बाबा, सत्य जानने के बाद अब आपको केवल प्रेम ही नहीं करना है, मुझे डांटना भी है। जब मुझसे कोई भूल हो जाए या मैं कोई शरारत करूं। तुमने मुझसे कुछ कही का ना? पर ये सब जानने के बाद तुम्हें कैसे डांट सकता हूं? बताओ ना कि कैसे मैं तुम्हें ये कहूं? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो बाबा। शीघ्र ही जीवन की माया आपको अपने प्रभाव में ले लेगी और आप ये सब भूल जाओगे। पर जब जब मेरी दिव्यता की झलक संसार को मिलने वाली होगी और मेरा सत्य मैया को पता चलने वाला होगा, तब तब आपको इसका स्मरण हो जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरुवर ने सही कहा था। श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे, ममता के लिए तरसने लगे थे वो। इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है माँ की ममता का अनुभव करना। सत्य है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य माँ की ममता का अनुभव करना। वो तो है बाबा, पर उसके साथ साथ आपका प्रेम पाना भी है। जानते हो, किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? अब तो मेरा कान्हा बैठना सीख गया। अब आगे से मैया कार्य करेगी तो कान्हा मैया के निकट ही बैठेगा। कितनी अच्छी तरह से बैठने लगो मेरा कान्हा। तेरे बाबा कुछ अधिक ही व्यस्त हैं आज। और अब आप भी व्यस्त हो गई तो मेरे साथ खेलेगा कौन?
लल्ला कान्हा। लो भाभी, खिले हुए फूल भी ले आई हूँ और शीघ्र ही जाके तरकारियाँ भी ले आऊँ। अच्छा हुआ जानकी आ गई, अब यही खेलेगी मेरे साथ। अरे जे क्या फिर से बाहर निकल रहे है? बस बस कान्हा, अब खेल में मत लगा, मुझे बहुत सारे कार्य पड़े हैं करने को। ये भी कार्य करने चली गई, अब मैं क्या करूं? सब व्यस्त है, मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लगता है इनका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। नंद जी, जानकी देखो मेरा लल्ला पहली बार घुटने के बल पे चल रहा है। बहुत बढ़िया काना, बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहिए था। आजा काना, आजा इधर आ, मैया के पास आ। काना आजा अपने बाबा के पास, आजा। मैंने कहा था ना बाबा, शीघ्र ही आपको सांसारिक माया जकड़ लेगी और आप सब भूल जाओगे। देखा मेरे लल्ला को, अभी अभी तो इसने चलना सीखो है पर अभी से इतना प्रवीण हो गए हो। आपका लल्ला, मेरा लल्ला मुझ पे गया है जी, इसीलिए तो इतनी शीघ्र इतना प्रवीण होगा, है ना लल्ला? आजा लल्ला, आजा अपने बाबा के पास, आजा। भ्रमित कर दियो आपने इसे, कितने चाव से अपनी मैया की ओर आ रहा था। आजा लल्ला। मैंने क्या करूं, मैं भी तो इसे बुला ही रहूं। आजा आजा। अब आप दोनों झगड़ने मत लगना। लल्ला जिससे अधिक प्रेम करते है ना, उसी के पास जाएगा, देख लियो। यशोदा, ये तुम कैसे प्रतियोगिता लगा रही हो? क्यों, आपको विश्वास ना है कि लल्ला आपसे भी उतना ही प्रेम करते है और आपके पास भी आ सकते है? या फिर हारने का भय सता रहा है आपको? बिल्कुल ना, काना आएगा तो अपने बाबा के पास, आ जा। जे हुई ना बात, अब देखते हैं कौन जीतेगा। आजा काना, अपनी प्यारी मैया के पास आजा। बाबा की उंगली पकड़ी थी ना तूने, तूने साथ देने का वचन दिया था, आजा अपने बाबा के पास। अरे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो आप दोनों मुझे? कान्हा अपने मैया के पास आएगो, है ना? आजा। नहीं, कान्हा अपने बाबा के पास आएगो, आजा। लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता, और तू, वो तो तरकारी लेने जा रही थी ना, जा। हाँ हाँ बस चाय दी हूँ। लल्ला देख, मेरे पास आएगो तो माखन मिलेगो, बहुत अच्छा माखन मिलेगो, आजा। कान्हा मेरे पास आएगो ना तो बहुत अधिक माखन मिलेगो, आजा आजा आजा। आजा।
मुझे जानकी के पीछे जा रहा है? कहीं से जानकी से अधिक प्रेम तो ना होगा? ना लल्ला ना। क्यों रे लल्ला, जे करेगा तू मेरे साथ है? सुधा, ये सब परिहास की बात, सबका कोई विशेष अर्थ ना है। कहीं ऐसा तो ना है क्योंकि मैं आजकल इस पर अधिक ध्यान ना दे पा रही, तो इसे जानकी से लगाव होगा? क्योंकि सारा दिन तो मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हूँ। सुनो जी, इसे भ्रम तो ना होगा कि इसकी मैया है कौन? यशोदा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम कुछ अधिक ही सोच रही हो। वही तो, किसी संतान को अपनी मैया के बारे में भ्रम हो ही नहीं सकता। ना, जे आपके पीछे भी चला जाता ना तो ठीक था, किंतु जे तो जानकी के पीछे चला गयो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ बोलो ना, जे संभव है क्या? लो, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के चक्कर में मैं तो भूल ही गयो कि उपनंद भैया को लेन देन बताना है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। अरे किंतु मैंने जो पूछा वो तो बताया ही ना आपने। एक बार तुम ही ने कही थी कि मैया अपने लल्ला के मन की बात उसके बिना कहे जान लेती, तो पूछ लो अपने काना से। ना लल्ला, कछु और ना। बाबा से प्रेम है, जानकी से प्रेम है, बस अपनी मैया से ना है। ना? अरे मैया, ऐसी बात थोड़ी ना है। 9 माह तक पेट में कौन पालती है? मैया। दूध कौन पिलाती है? मैया। देखभाल कौन करती है? मैया। बस उसी मैया से प्रेम ना है, से सभी से प्रेम है तुझे। तो ठीक है फिर, अब बात भी उन्हीं से करियो। मैया तो क्रोधित हो गई, मनाना पड़ेगा। ना, दोष मेरा ही है, मुझे किसी से कछु अपेक्षा ही ना करनी चाहिए। अब स्वयं को प्रेम चाहिए तो चापलूसी कर रहे हो? छोड़। ना, अब बिल्कुल ना आऊंगी तेरे झांसे में। तू और तेरे बाबा दोनों एक समान है, पहले क्रोधित करेंगे फिर मनाने चले आएंगे। जब मैंने तुझे बुलाया था तो जानकी और बाबा की ओर चला गया, अब क्यों आ रहा है मेरे पास? जा, उन्हीं के पास जा। देख लल्ला, अब अपनी जो प्यारी सी मुस्कुराहट दिखा के ना मुझे मनाने का प्रयास मत ही कर। मैंने कान्हा कहाँ गया? कहाँ गया कान्हा? कान्हा कहाँ थे अब तक? पहले ही क्यों नहीं बताया कि ऋषि गर्ग की क्या योजना है? बता, क्या देखा क्या सुना? महाराज, मैंने पूर्ण प्रयास किया किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। दबाव बढ़ा।
अब ये सुना या ये भी सुनाई नहीं दिया? महाराज मुझे मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने सुनने की बहुत चेष्टा की किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया महाराज, मेरा विश्वास करें। ये अर्थनाद सुनाई दिया या ये भी नहीं? महाराज मुझे क्षमा करें महाराज। उत्तर दो, अब सुनाई दिया? तो फिर वहां क्यों नहीं सुनाई दिया? मुझे क्षमा करें महाराज, आरंभ से अंत तक मैं वही था किंतु मैं कुछ भी नहीं सुन पाया महाराज, क्योंकि कारण नहीं परिणाम चाहिए मुझे। परिणाम। लल्ला लल्ला कहां छुप गए तू? कान्हा कान्हा सामने आजा मेरे लल्ला, कहां है? कान्हा सामने आजा लल्ला, अब मैया कभी ना रूठेगी तुझसे। कान्हा कान्हा लल्ला 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 देख सामने आ जा, नहीं तो तेरी पैया पर जाएगी। लल्ला कान्हा कान्हा न जाने कहां चला गया है, अभी तो यही था, न जाने कहां चला गया है। तू उसकी पायल है, कहीं बाहर तो ना चला गया कोई मेरे लल्ला को? यशोदा कोई ना ले गो लल्ला को, और वो स्वयं भी कहीं ना जाएगा, यहीं कहीं होगो। आप इतने शांत कैसे हो, आपको कुछ पता है क्या? ये क्या है, एक पायल अभी भी उसके पैर में है। और है तो अपनी मैया का ही लल्ला, एक जगह टिकेगा ना, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं पर... बाबा माखन तो चख पाता मैं। ये क्या क्या कर रहे है तू? आज ही घुटने के बल चलना सीखो है और आज ही अपनी मैया को दौड़ा दियो तूने। ये जो छोटी छोटी पहिया है ना, इनमें पायल ना बेड़ियां पहनाऊंगी मैं। कही थी ना मैंने, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो, और इतना घबरा गई कि घबरा के आकाश सर पे उठा लियो। मैंने आकाश सर पे उठा लियो और वो भी व्यर्थ में? मेरे कहने का अर्थ जे ना है यशोदा, व्यर्थ ना, मैं तो केवल जे है कि कान्हा जानकी के पीछे ना जा रहा था। जब आप भी बाहर जा रहे थे तो जे आपका पीछा ना कर रहा था। इसे तो बस बाहर जानो है। क्या चल रहा है? हाँ चल चल अंदर चल, बाहर जानो है। अभी अभी घुटने के बल चलना सीखो है और अभी से बाहर जाना है? असंभव। क्यों
क्यों का क्या मतलब? इतने छोटे से बालक को कोई बाहर ले जाता है क्या? हाँ यशोदा, यदि ये बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में समझेगो कैसे? सुनो, इसका निष्क्रमण संस्कार भी आज ही करा देते, सीधा इसे मंदिर लेकर जाते। ना ना, इतनी शीघ्रता की कोई आवश्यकता ना है। जे देखो, देखो बाहर कितनी धूप है। धूप कहाँ है सुधा, बादल है बाहर तो। हाँ तो वर्षा हो गई तो मेरा काना भीग जाएगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना। बहाने क्यों बना रही हो यशोदा? तुम भी जानती हो कि ये वर्षा वाले बादल ना है, और कब तक इसे भीतर रखोगी? तुम भी इसके साथ वही कर रही हो जो रोहिणी भाभी ने इसके बलदाओं के साथ किया। मैया मान जाओ ना। और उस दिन तो तुम रोहिणी भाभी को इतना अच्छे से समझा रही थी, आज तुम्हें क्या होगो? अभी तो इसने घुटने के बल चलना सीखो है सुधा। अभी इसे बाहर ना लेकर गए ना, तो जब ये पांव पर खड़ा होना सीखेगो ना, तो अकेले ही बाहर भाग जाएगो। नाना, मेरा काना अकेले कहीं ना जाएगो। यशोदा, तो फिर अभी इसे ले जाने दो और गोकुल घुमाने दो। देखा लल्ला, आज्ञा मिल गई। अब आज पहली बार लल्ला और बाबा बाहर जाएंगे घूमने के लिए। चल, आज बाबा और लल्ला पहली बार बाहर जाएंगे। हाँ चलो। रुको, आपको क्या लगा था कि मैं लल्ला को अकेले छोड़ दूंगी? जहां जहां कान्हा जाएगा वहां वहां उसकी मैया भी जाएगी। कभी तो नंद और नंद लाला को एक साथ समय बिताने दिया करो। कुछ कही आपने? नहीं। तो बस फिर गौशाला से आरंभ करेंगे, फिर गांव घुमा के मंदिर ले जाएंगे इसे। दर्शन में आई। देखा, अभी तो तेरी मैया मंदिर भी जाने को तैयार ना थी, पर अब तुझे पूरा गांव घुमाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि इनके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ जाए, यहाँ से चले चलो बाबा, शीघ्र चलो। दया कीजिए, दया निदान, क्षमा कर दीजिए। कितनी बार तुझे गर्ग ऋषि के आश्रम भेजा, तू वहाँ कुछ नहीं सुन पाया। गर्ग ऋषि यहाँ आया, तू यहाँ कुछ नहीं सुन पाया। जब तू कोई कार्य करने योग्य ही नहीं तो फिर तेरा क्या? स्मरण करें महाराज, स्मरण करें कि आपको भी एक नाम बार बार सुनाई देता था। आप अपने कानों पे हाथ रख के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, छटपटा रहे थे, किंतु हम में से किसी को भी उसका स्वर नहीं सुनाई दे रहा था। महाराज स्मरण कीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे उस बालक के जन्म के समय आपके कानों में ध्वनियां गूंज रही थी। लेकिन हमें वो नहीं सुनाई दिया। ठीक उसी तरह महाराज, उस समय मेरे कानों में भी एक शंखनाद गूंज रहा था, पर उसकी ध्वनि ने मुझे कुछ भी नहीं सुनने दिया वाला। महाराज, और मुझे लगता है कि ये सब उसी विष्णु की कोई माया है, या फिर श्राद्ध के नाम पर ये सब मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। महाराज, इस निर्दोष को मारने से क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन दोनों को महल से बाहर मत जाने दीजिए। सही कह रहे हो तुम, इसको मार के क्या होगा? कान्हा, जे देख, जे है रामू, तेरा भैया, और जे है सबला, तेरी मौसी। ओ,
देखो जी, कान्हा को देख के सबला की भी ममता उमड़ आई। सुनो, पूरा गांव घुमानो है, उसके पहले ही मेरे कान्हा की बुरी दृष्टि उतार लेते हैं। नहीं आज हे गौ माता, आज तुम्हारा भतीजा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, इसे सबके बुरी दृष्टि से बचाइयो। नारायण नारायण। देखा प्रभु, लोग आपके चपलासुर का कितना सम्मान करते हैं, पर आपके दरबार में मुझे आपका चापलूस कह के ही पुकारते हैं प्रभु कंस। पर अब ये सब बदल जाएगा, अब लोग मुझे प्रभु कंस का चापलूस नहीं, विशेष विश्वास पात्र कहकर बुलाएंगे। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं, ये देखने कि प्रभु कंस का कार्य करने के लिए सब लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं। ऐसा क्या है उस बालक में? नारायण, देख, जी है तेरी प्रभावती मौसी का घर। और वो देख, वो रहा तेरे दाऊ का घर। देख क्या रहो है? तेरे दाऊ भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये वही है क्या जो चपलासुर से विशेष विश्वास पात्र श्री चपलासुर जी बनने तक की यात्रा में मेरी सहायता करेगा? ताऊ, ताऊ देखो कान्हा आयो है। कान्हा, घर से बाहर आकर तो और भी निखर गए हो गोकुल का राजकुमार। हाँ, अपना पहला गांव दर्शन में बड़ा आनंद ले रहा हूँ लल्ला। सच्ची कहीं भोला भाई, आज कछु अधिक ही प्यारा लग रही है जे। जी क्या भीड़ लगा रखी है तुम सबने? हाँ जी, मेरा लल्ला है, कोई दिखावट की वस्तु थोड़े ना है। सब फेर के खड़े हो गए। यशोदा जी देखो, रोहिणी जीजी भी आ गई। चलो सब सीधे मंदिर चलते हैं। हाँ चल। ताऊ, बड़े होने के नाते आपको मुझे घुमाना चाहिए, पर ध्यान रखना, आज आपको मैं ले जा रहा हूँ मंदिर। ये कैसे संभव है? ये अवश्य वायु के वेग से ही बच रही होंगी। प्रणाम। आशीर्वाद। आयुष्मान भव। अरे जसोदा जी, कान्हा को पहली बार मंदिर लेके आई हो ना?
बहुत ही अच्छे समय पे आई हो। देसी घी का हलवा बनाया मैंने प्रसाद में। इतनी अच्छी सुगंध, हलवा तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो कुछ तो अच्छा किया सुलक्षणा चाची ने। मेरे लिए इतना बड़ा भाग, पता नहीं था कि इनका हृदय इतना बड़ा है। सबको प्रसाद दे दियो, अब स्वयं भी तो खाना चाहिए। अरे चाची, पहले मुझे तो खिला देती। अरे मैं तो कान्हा को देना भूल ही गई। चलो विलंब से ही सही, मेरा स्मरण तो हुआ आपको। आहा, अभी नहीं खाना, तनिक बड़ा हो जाना फिर खाना जितनी इच्छा हो। हाँ हाँ, हंस लो चाची, आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाबा अवश्य देंगे, देख लेना। बाबा, मुझे क्यों नहीं खिलाया आपने? दाऊ, मैं आपको घुमाने लाया, कम से कम आपको तो अपने छोटे भाई का स्मरण रखना चाहिए। मेरी मैया मुझे अवश्य खिलाएंगी। देखो जी, इसका भी मन कर रहा है खाने का। मैया है ना, तेरी मैया ने अपने कान्हा के लिए पहले से ही बचा लिया था। ठहरिए रानी जी। पहली बार कुछ खाने को मिल रहा था पंडित जी, रोक क्यों दिया? अभी बालक का अन्न प्राशन नहीं हुआ है। हाँ यशोदा, सदानंद जी सही कह रहे, दूध मुहे बालक को ठोस अन्न प्राशन के पश्चात ही खिलाना चाहिए। ना लल्ला, तू बस अन्न प्राशन तक रुक जा, उसके बाद तू जो कहेगा ना तेरी मैया खिलाएगी तुझे। ये तो साधारण सा बालक है, बहुत ही सरलता से मैं उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा। क्या था? मेरे दाऊ शेषनाग के अवतार हैं चपलासुर, इनके रहते तुम मुझे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दाऊ, अकेले अकेले प्रसाद खाकर ठीक नहीं किया आपने। पंडित जी, जी हमारा कान्हा घुटने के बल चलने लगा, तो क्यों ना इसका अन्न से परिचय करा दियो जाए। नंदराज जी, दो दिन में पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, तभी कर लेते हैं अन्नप्राशन संस्कार। दो दिन की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। जित जी, मेरा तो मन किया आज ही कर दूं अपने कान्हा का अन्नप्राशन। यशोदा, मैं तुम्हारी हृदय की पीड़ा समझती हूँ, पर तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को दो दिन और ठहरना है, ठीक है?
अरे 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 बस भर गया। लो जीजी प्रसाद नहीं मिला तो माखन तो है। लगता है इसे माखन से अधिक ही प्रेम हो गया है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। माखन चोर क्यों बनेगा मेरा लल्ला? माखन की कोई कमी है क्या हमारे घर में? जितना माखन चाहिए उतना माखन खिलाऊंगी मैं अपने लल्ला को। पर मैया, अभी तो थोड़ा सा भी नहीं चखा रही हो। ये ले। लो, ये भी दाऊ को दे दिया। सुबह तो बोल रही थी कि मैं आपको प्रेम नहीं करता, उल्टा आप अपना सारा प्रेम बलदाऊ पर लुटा रही हो। सुनो जी, कान्हा के चारों ओर सिरहाने लगा दो ना, नहीं तो जी फिर से इधर उधर चला ना जाए। ये अच्छा सुझाव दिया तुमने। अभी लाए। इस बालक का वध करके जब मैं मथुरा वापस लौटूंगा तो प्रभु कंस मुझे अपना विशेष विश्वास पात्र तो बनाएंगे ही, पर क्या पता प्रधानमंत्री भी बना दे। देवकी और वसुदेव अभी कहाँ हैं? अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? एक बार तो मैंने उन्हें प्राण दान दे दिया। बधाई हो कुंवर जी, अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। दूसरी बार मैं उन्हें दंड देने निकला तो तुमने मुझे रोक दिया। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराएगा कंस। मथुरा नरेश कंस के इस महल से
वसुदेव और देव की जीवित बाहर नहीं निकलेंगे, निकलेंगे केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते। क्या हुआ प्रभु, आप अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? कृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा अपने मुख में रख लिया है देवी। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है प्रभु, ऐसा तो हर बालक कभी ना कभी करता ही है। तो सखा कोई साधारण बालक नहीं है देवी पार्वती, तो भगवान है। यदि वह ऐसे ही अपने अंगूठे को मुख में रखकर खेलते रहे तो अवश्य ही आ जाएगी। कौन आ जाएगी प्रभु? प्रलय आ जाएगी देवी, प्रलय आ जाएगी देवी। हे नारायण, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही रात्रि के समान अंधेरा छा गया हो। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो बोलो, क्या है वो योजना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में, मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। जीजी, द्वार और झरोखे बंद करते हैं। चल अंदर चल के खेल।
आपके सखा तो ध्यान निद्रा में चले गए हैं प्रभु। इनके ये अंगूठा चूसने की सामान्य सी क्रिया का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, इन्हें तो पता भी नहीं है। चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, सखा की हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। पर ऐसा लगता है देवी, जैसे उनकी इस लीला के पीछे एक नहीं अनेक उद्देश्य छिपे हैं। देख रही हो चिंची, प्रसाद ना मिली खाने को तुझे पाँव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा जे क्या कर रहे है, अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला, जे अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा, तू नींद में है इसका अर्थ ये ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी। निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रहे हो ना चिची, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है। अधिक बल भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं, हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ, चलो बोला। चिची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बताओ निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्न प्राशन वाले चावल भी रखे, भीतर करना होगा ना अच्छी चांद की भी। लल्ला वैसे जी बहुत बुरी बात है, अंगूठा मुंह से बाहर निकाल। केवल दो दिवस में तेरा अन्न प्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तू प्रभु, स्वयं कृष्ण की मैया इनका अंगूठा नहीं निकाल पाई तो अब और कौन निकालेगा? कैसे रुकेगी ये प्रलय? इसका एक ही अर्थ है देवी, अभी लीला समाप्त होने का समय नहीं हुआ। अभी तो कहना तो ये चाहिए कि लीला अभी पूरी तरह से आरंभ ही नहीं हुई है। प्रलय बुला ली।
हे नारायण, जे वर्षा तो रुकने वाली ना है, जे फोड़ और गेहूं भीतर रख देती हूँ। जे देख रहे हो गुड़, जे तेरे अन्न प्राशन के पकवानों के लिए ही है, कैसे कैसे करके बचा के लाई हूँ कुछ पता भी है तुझे? और तू है कि जे अंगूठा ही चूसे जा रहे है। हाँ नहीं तो किंतु आज प्रलय भी आ जाए तो कंस की तलवार का वार रोकने में असमर्थ होगी। कंस के साथ विश्वासघात किया है, दंड तो मिलेगा। महाराज, वायुमंडल में अचानक आए इस परिवर्तन का हमसे कोई लेना देना नहीं, हम तो बस अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए जा रहे थे। मूर्ख हूं मैं, मूर्ख हूं मैं, कंस एक मूर्ख है, मूर्ख हूं मैं। अब अच्छी तरह जानता हूं मैं, श्राद्ध केवल एक बहाना है, किंतु सत्य यह है कि तुम और वो ऋषि गर्ग मिलकर मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो, और ये तुम्हारी योजना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा षड्यंत्र, कैसी योजना? हम तो केवल श्राद्ध के लिए गए थे। बहुत अवसर दिए मैंने तुम दोनों को, किंतु तुमने बार 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 मुझे मूर्ख बनाया, इसलिए अब मैं अवसर दूंगा अपनी इस तलवार को। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कोई ना कोई युक्ति लगाकर मैं तुम्हारे उस बालक का वध कर ही दूंगा, पर उस क्षण का साक्षी बनने के लिए अब तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। स्वामी, तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है। यदि कंस को रोकना, अपने माता पिता की रक्षा करना और चपलासुर के ब्रह्म को मिटाना ही इस लीला के उद्देश्य थे, तो ये सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं प्रभु। अब तो ये प्रलय रुकनी ही चाहिए। ये केवल सखा की लीला ही नहीं है देवी पार्वती, उनकी माया का उदाहरण भी है। मार्कंडेय ऋषि को दिए गए वरदान को पूरा करने के लिए ही ये सब हो रहा है। कौन सा वरदान प्रभु? प्रभु की माया को साक्षात अपनी आंखों से देख पाने का वरदान। हे नारायण, क्या ये प्रलय है? क्या संसार समाप्त हो रहा है? तो फिर मुझे मिले इस जीवन का क्या अर्थ है?
ये बालक यहां कहां से आया? सोते हुए कितना निर्दोष लगता है जी। चारों ओर जल ही जल है, सब कुछ प्रलय में नष्ट हो रहा है, किंतु ये कितना निश्चिंत है ये। परंतु ये अद्भुत बालक है कौन? जिन घने काले बादलों ने आकाश को घेरा हुआ था, कहाँ गए वो? यहां तो प्रलय का कोई चिन्ह ही नहीं है। ये आप ही की माया थी ना प्रभु? मुझे इसका साक्षी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसका अर्थ क्या है प्रभु? प्रभु, इसका अर्थ ये है कि ये मानव संसार वट वृक्ष पर स्थित है और मानवों का जीवन काल वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करती एक जल की बूंद के समान होता है। वो बूंद जो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। आपने तो स्वयं देखा है महर्षि, ये संपूर्ण जगत, ये महाब्रह्मांड इरे ही भीतर स्थित है। ये उदाहरण है इस बात का कि जो दिखता है उसके कई स्वरूप होते हैं। जो आज आप देख रहे हैं वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। सब कुछ एक माया है। प्रलय का होना, जीवन का होना, दुख सुख सब एक भ्रम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जलाशय में दिखने वाला प्रतिबिंब आपकी वास्तविकता नहीं बल्कि एक भ्रम होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, वो इस प्रलय की तरह केवल एक भ्रम ही होता है। ऐसे समय में जो संकट के सामने झुक जाते हैं या अधर्म का साथ देते हैं, वह स्वयं को उस भ्रम रूपी प्रलय में डुबोकर नष्ट कर लेते हैं। पर जो मेरी शरण में आकर संकटों का सामना करते हैं, वह स्वयं को कठिन से कठिन प्रलय से भी उभार लेते हैं। किंतु प्रभु, सभी व्यक्तियों में संकटों का सामना करने का साहस नहीं होता। कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके भक्तों को इतना बल मिले कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहर्ष कर सकें। मैं वरदान देता हूं महर्षि, पीपल के पत्ते पर बाल कृष्ण की इस छवि का स्मरण मेरे जो भी भक्त करेंगे उनके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे। वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना फंसे, बाल कृष्ण की ये छवि उन्हें उससे उभर पाने में सामर्थ्य प्रदान करेंगे।
अद्भुत। तो ये कोई साधारण लीला या भ्रम नहीं था, मानव मात्र को नारायण से मिला वरदान था ये। पर अब क्या होगा प्रभु, कैसे रुकेगी ये प्रलय? क्या सोच रहे हैं प्रभु, क्या आप रोकेंगे ये सब? नहीं प्रिय, ये कृष्ण की माया है, वही इसे रोक सकते हैं। पर मैं अपने सखा से भेंट करने अवश्य जाऊंगा, पर पिछली बार की तरह बिना उपहार लिए नहीं। उपहार? आप तो प्रलय का भी सामना करने के लिए तैयार थे ना भैया, अभी तो प्रलय भी नहीं आई और आपकी ये दशा हो गई। महाराज, महादेव आप उपहार में ये निष्प्राण वस्तु देंगे अपने सखा को? सही पहचाना देवी, पर उपहार देने से पहले इसे आकार दूंगा मैं, क्योंकि प्राण तो इसमें बालकृष्ण ही भरेंगे। मुरली, बस उन्हें मेरा उपहार अच्छा लगे। यदि यशोदा मैया ने आपको अपने सखा से मिलने से फिर से रोक दिया तो? इस बार चुपचाप छिपकर उनकी दृष्टि से बचकर जाऊंगा देवी पार्वती, उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। संभालिएगा प्रभु, यदि यशोदा मैया ने आपको पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे महादेव। जानकी को कही थी मैंने भीतर रख दे, छोड़कर चली गई बाहर, कुछ याद ही ना रहते ऐसे।
कान्हा, अंगूठा निकाल दे नन्ना, नहीं तो रुक जा, मुझे ही अंगूठा निकालना पड़ेगा तेरा। पूरे वस्त्र भीग गए मेरे, कहीं मेरे कारण इसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। वस्त्र बदल के आ रही है मैया, आ रही हूं। शासन की नींव भय होती है महाराज, और आपका पूरा साम्राज्य भय पर ही टिका हुआ है। यदि आप ही इस तरह से भयभीत दिखाई देंगे तो आपके साम्राज्य को डगमगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार आपने ही कहा था ना कि अपनी दुर्बलता कभी किसी को मत दिखाओ। प्रजा को भयभीत कंस नहीं, भयानक कंस दिखना चाहिए, भयानक कंस। अब आप ये सिद्ध कर दीजिए कि भय आपके शत्रु का नहीं, आपका शस्त्र है। महाराजा धीराज, कंस का शस्त्र। क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो, उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो। सखा, इस माया को विराम देने का समय आ गया है। सभी आपके चरण धोकर उसका चरणामृत पीते हैं सखा, और आपने उसी चरण को अपने मुख में रख लिया। यही तो सखा, मैं इस तथ्य से चकित था, इसलिए सोचा एक बार अपने चरणामृत का स्वाद स्वयं भी चख ही लिया जाए। अब जो उपहार लाए हैं वो शीघ्र ही दे दीजिए। आपको देख लिया तो आपको तो अनुभव है वो क्या क्या करने में सक्षम है। आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता सखा। इन अधरों पे पांव के अंगूठे से अधिक ये मुरली शोभा देगी सखा। मन प्रसन्न।
भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है मुरली। शीघ्र ही सारा संसार तुम्हें मेरे नाम से और मुझे तुम्हारे साथ से पहचानेगा। प्रभु, मेरे प्रभु, इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा। सखा मैया, अच्छा जी, तो तूने अपना अंगूठा मुंह से निकाल ही दियो, बड़ा उपकार कियो अपनी मैया पे। प्रभु, मैया ऐसा मत करो, मेरी मुरली वापस दे दो मुझे। जे कहां से आई? मेरे सखा ने उपहार में दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैया कि मेरे अंगूठा मुंह में लेने से इतना सब कुछ हो जाएगा। तेरे मुख पे छाई है दृष्टता की छाया, साक्षी है ये जो भी हुआ। ये तुम दोनों उस ऋषि गर्ग और तुम्हारे उस पुत्र का किया धरा है जिसे तुमने मुझसे छुपा रखा है। जो स्वयं दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें सदैव यही लगता है कि उनके पीठ के पीछे उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है। मुझे तनिक भर भयभीत देखकर इतना साहस आ गया तुझमें कि मुझे प्रतिउत्तर देगी। लगता है तुम दोनों महाराज की तलवार के वार को भूल चुके हो। स्मरण करो, इतने वर्षों में इसने एक बार भी तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अनेकों बार तुम्हारे हृदय को रक्त रंजित कर चुकी है ये। मेरी इस तलवार ने तुम दोनों की 6 संतानों का रक्त चखा है और अब एक और संतान के रक्त में स्नान करने वाली है ये। वो संतान जो गोकुल में पल रही है। बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस। इतना दुस्साहस, तू मुझसे ऊंचे स्वर में बात करेगी अपने बड़े भाई के सामने? बड़े भाई जैसे कौन से कर्म किए हैं आपने, और अब जो कुकर्म करने की आप सोच रहे हैं उसमें भी असफल होंगे आप। देवकी। नहीं स्वामी, आज मत रोकिए मुझे, बहुत सह चुके हैं हम, बहुत मौन रह लिए, परंतु आज इन्हें सत्य का पता चलना ही चाहिए। भैया आपको क्या लगता है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप भगवान विष्णु का सामना कर सकते हैं। ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था, पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। पेट चीर के उनके प्राण निकाल लिए थे भगवान ने, तो सोचिए भैया आपकी क्या दशा करेंगे वो। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये आपका अभिमान है या अज्ञान, जो आप भगवान विष्णु का सामना करने चले। देवकी, इस क्रोध का आप कोई लाभ नहीं है भैया, अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं। जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे, तो फिर आपसे कैसा भय। जब
हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे, तो फिर आपसे कैसा भय? तू क्यों मुस्कुरा रहा है? अब जे मती सोचना कि मैया फिर से अंगूठा चूसने देगी तुझे। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मैया। पहले आकाशवाणी से सुना था, आज मैं दोहराती हूँ, आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं वो कहां है। देखी, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे चुनौती देकर। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम दोनों का वध कर दूं, किंतु नहीं, तुम्हें श्राद्ध करना बहुत प्रिय है ना? तो ठीक है, तो अब मैं तुम दोनों का वध तभी करूंगा जब तुम दोनों अपनी आठों संतानों का श्राद्ध एक साथ कर चुके होगे। श्राद्ध की तैयारियां करो। मैं अन्नपूर्णा की कृपा से आज अन्न प्राशन के सभी कर्मकांड अच्छे से हो जाए, भोजन स्वादिष्ट बने और मेरे कान्हा को प्रिय लगे। बस इतना आशीर्वाद दे दो तुलसी मैया। मैया कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसकी मैया को अच्छा भोजन बनाना आ तो ही ना है। वाह मैया, इतने दिन तक तो कुछ खाने को दिया नहीं, और अब जब खाने का अवसर आया है तो व्यग्र हो रही हो। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचिए प्रभु, 2 दिन से यही अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु। हाँ हाँ मुरली, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, पर क्या करूं, मैया ने तुम्हें मेरी पहुंच से बहुत ऊपर लटकाया है। पर प्रभु, मैं अब तक पहुंचूं कैसे? प्रभु सोचिए मत, कुछ करिए। प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही है महादेव। सखा के दर्शन हो और मन आनंद में नृत्य ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है देवी? ऐसा दुर्लभ अवसर, वो भी बार बार, सबको थोड़ी ही मिलता है। मुझे चिढ़ाने का प्रयास सफल नहीं होगा महादेव। आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी। आने
वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्न प्राशन संस्कार है और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? प्रभु, दो दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु, मुरली, बाबा आ रहे हैं। तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कान्हा, ये कहां से आई? तुझे चाहिए जे? इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी काना। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगा। बोल, देखो वचन सुनाएगा ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा, आप बस मुरली दो तो एक बार। नंदा जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं। ना ना, उन्हें लिवाना तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्नप्राशन की तैयारी जो करनी है। आता हूं मैं। हाँ, अभी आए। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए? चिंता मत करो मुरली, इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख देतो है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई देतो है क्या? तो जो चोट लग गई तो दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कछु और ले आएगी तेरी मैया। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगो है तेरा। क्या चाहिए तुझे? तू बता दे, मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला, फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था, पर ना रावण के दशीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? दो दिन हो गए, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है। कंस, कंस, महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी, आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा।
चपला सुर। हो गया कल्याण, कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे। सबका कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती हो? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाया मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कुछ पता ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा, मैया चाहे जो बनाए पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो काना पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और काना को अच्छा ना लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो। ना ना, मुझसे ना बनेगो आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए, उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाते हैं। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने काना के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रंगोली में देवी के चंद चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं। देवी के चंद चिन्ह यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ, मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर, अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती।
इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ। देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवकी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, ना कंस के सैनिकों का, ना स्वयं दुष्ट कंस का। नंद भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा, मैं कुछ सहायता करूं? ना जी जी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए, आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ, अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने, आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माए मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ? अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भराया। दो दो माओं के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपला सुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपला सुर? अपने भगवान के सामने नकमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो? प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता। ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान,
शरणागतों के भगवान कंस की। श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है, अब अन्न प्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नन भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्न प्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है, वो भी तो उसे मिलना चाहिए। यशोदा, ये कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्न प्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी, अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर। प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु, आज आपका अन्न प्राशन संस्कार है, अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुलवासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु, बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्न प्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ चल जाएगा, अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया। अब कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे, तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रहा है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जे, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो
इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनानो, तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो। ना जी, परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो, खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी। स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। आनंद आ गया। माँ अन्नपूर्णा, मैया की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जे माखन, जो तुमने कान्हा के लिए निकाला था, इसे माखन खाने की बहुत इच्छा है। माखन मल्ला, चखा कान्हा को मिला ये अनुपम स्वाद, नाता प्रभु का गौ से जुड़ा, अब होगा अजर अमर ये साथ। अब होगी रुचि चुनाव की रीति। जाइए, वस्तुएं लेकर आइए। हाँ, सब वस्तुएं ले आते हैं। हाँ। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जी मुरली जी, तो भाभी ने ना दी थी, फिर से कहाँ से आ गई? जी किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी ले, इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य ना करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हो। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जो यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगो। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे, वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है, ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा कान्हा, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रोए, इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है
कि क्या उठाना है। अरे जे देखेगो तभी तो सीखेगो। पहले बलराम से चुनाव करवाते, हो सकता है उसके देखा देखी काना भी कुछ उठा ले। जीजी नारायण की लीला कितनी न्यारी है, मेरे बलराम की ये रीति छूट गई थी, उसी बहाने हो जाएगी। बलराम पुत्र तुम्हें जो चुनाव करना है कर लो। आपके बल की सूचक यहाँ केवल एक ही वस्तु है दाऊ। बलराम ने हल चुना है, ये प्रतीक है कठिन परिश्रम और बल का। मेरे दाऊ से अधिक बलशाली और कोई नहीं। बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना मुझे। चल लल्ला अब तेरी बारी। लल्ला देखना जे मोर पंख वाली डंडी, और वो देख वो गदा। लल्ला कुछ तो उठा ले, अपनी मैया की लाज रख ले लल्ला। पर जो मुझे चाहिए वो यहाँ है ही नहीं मैया। काना कछु उठा काहे नहीं रहे हो? कान्हा जे कहां से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था, क्या पता इसे रख दूं तो यही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुना है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है, ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद। अरे कुबेर महाराज ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा। मुरली इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। Thank you.
हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज, अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह महाराज, फंसा के चलते बने। अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण, यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। भूल गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने। किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, ये तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। चपनासुर, कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था। अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु, आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपला से? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपलासुर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? हाँ।
सुना तुम सबने, सपला सुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा, गोकुल जाके। नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। सारा स्वर्ण छिपा दिया, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूँ प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा, पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुलवासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा। मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा, बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही। मैया की लीला मैया ही जाने, मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा, अब तू इसे रख सकतो है। सुना तुमने, आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे जाना जाएगा। अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा।
अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू। अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना यानी साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति, वह यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तो मत करो वस्ती, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है। और उसे कहां खोजा जाएगा? अभी ना। पर क्यों मैया, अब तो मेरा अन्नप्राशन भी हो गया, माखन खीर सब तो खा चुका हूँ, अब लड्डू भी खिला दो ना मैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना लल्ला। ना मानेगो? प्रभु, अब क्या करोगे आप? वही जो हर बालक करता है। दुखी मत हो कान्हा, ये सारे लड्डू तेरे लिए तो हैं। पर पहले नारायण को भोग तो लगाना पड़ेगा ना। और उसके लिए हमें जाना है तेरी बड़ी मैया के घर। अर्थात बाहर जाने को मिलेगा, ये हुई ना बात। रोहिणी जीजी ने कही थी जब सब आ जाएंगे वो स्वयं आएंगे हमें बुलाने, फिर हम खटाक से जाएंगे और खटाक से पूजा करके दोनों मैया और कान्हा लड्डू का आनंद उठाएंगे। समझ आई? बलराम, जाओ अपनी छोटी माँ और छोटे भाई को बुला लाओ। आ गए बलराम। मेरा कान्हा भी चलने लगता जीजी, दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा, पर अब तुम चलो, देर हो रही है। हाँ लड्डू बांध लो। भाभी, आप कान्हा को ले लो, चिप्रसाद के लड्डू मैं ले आती हूँ। चल। आज बड़ा प्रेम आ रहा है जानकी पे, हैं? जानकी पे प्रेम ना आ रहा है, जानकी के हाथ में जो लड्डू है ना उस पे प्रेम आ रहा है। क्यों रे लल्ला? मैया हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ।
चले जीजी। ये पर्वत नहीं, परीक्षा है मेरी, पर इसके शीश को, इसके आसमान को छूते शिखर को अपने पांव के तले दबाकर रखूंगा मैं, क्योंकि वहीं मुझे मिलेगा वो जो मुझे मना नहीं कर सकता। किसी भी पर्वत का शिखर इतना दुर्गम नहीं हो सकता जहां कंस नहीं पहुंच सकता। शांति भाभी खेलने दो ना, कान्हा और बलराम को भी नया मित्र मिल जाएगा। आओ दाऊ, अपने नए मित्र का स्वागत करिए। कान्हा, बलराम, ये देखो प्रसाद। अरे इतनी शीघ्र नया मित्र भी बना लियो। अच्छा तो जे बताओ, सबसे पहले प्रसाद कौन खाएगा? लो। अरे मेरा कान्हा पीछे रह गया। शांति, तेरा लल्ला तो बहुत शीघ्र चलने लगा। पर जे कान्हा से छोटो है ना? हाँ, कान्हा के लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ था जी। 2 सप्ताह छोटो है, तब तो मेरे कान्हा को भी चलना सीख जाना चाहिए था अब तक। ए, ए। मैया, लल्ला, अवश्य ही भील बाबा के तेल से मालिश की होगी शांति ने। तू भी करती तो हमारा उज्जवल इस तरह गिरतो पड़तो ना रहतो। कुछ कुछ लगा तो नहीं तुझे? चल भाभी, ये बालक कैसे ताक रहे हैं आपको? लो बलराम। तू भी ले। कान्हा ले लल्ला। चिंता में तो ना पड़ गई, तेरा कान्हा आज चल ना पायो।
ना मौसी, इसमें चिंता की कौन सी बात है? आज ना तो कल, चलना तो सीख ही जाएगा जे। बल्कि सबसे पहले दौड़ना सीखेगा जे। और अपने साथ साथ से सभी को अपने पीछे दौड़ाएगा मेरा लल्ला। आपकी ये बात भविष्यवाणी बनने वाली है मैया। बस दौड़ना सीख जाओ, फिर आप सबको दौड़ाऊंगा, इधर से उधर, उधर से इधर। किधर? देर ना हो रही, चलो। आज मेरा लल्ला चलना सीखेगा। मैं ना चाहती कि मेरा लल्ला किसी से भी पीछे रह जाए। मंदिर में तो ऐसे दिखा रही थी जैसे आपको कोई चिंता ही ना है, और घर आते ही प्रतियोगी बना रही हो मुझे। बिछा दे। अच्छा लल्ला, इधर खड़ा हो जा। मुझे ही पता है मैं कैसे खड़ा हूँ मैया। कभी लगता है इधर गिरूंगा तो कभी उधर। ओहो, इसका अर्थ तो यही है ना कि मेरा लल्ला भी चल सकता है। मैया नहीं, यशोदा, जब तक ये स्वयं से प्रयास नहीं करता तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। ये तो मैं मान ही ना सकती दीदी, ये यशोदा का लल्ला है। ऐसा हो ही ना सकता कि इसे चलना ना आता हो। हाँ, जे अवश्य हो सकता है कि इसे पता ही ना है कि जे चल सकता है कि ना। चल लल्ला, चल कर दिखा, चल। लगता है आज मैया नहीं मानेंगी। दाऊ, चलने की विद्या सिखाओ शीघ्र। जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं कान्हा, पर करके तो देखना ही पड़ेगा। एक पांव पर तन का भार डालकर संतुलन बनाओ और दूसरे पांव को उठाने का प्रयास करो। क्षमा करना मैया, ये ना हो पाएगा। जी तो बैठ दो, कोई बात ना है लल्ला, हम फिर से प्रयास करेंगे, है ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लल्ला, मैया की कहीं मानते हैं ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लगता है इसका मन ही ना कर रहा चलने का। नहीं नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम व्यर्थ ही हड़बड़ा रही हो। देखो, कुछ बालक शीघ्र चलना सीख जाते हैं और कुछ तनिक विलंब से। जैसे ही लल्ला के पाँव उसके शरीर का भार संभालने योग्य हो जाएंगे और ये एक पैर पर संतुलन बना पाएगा, ये चलने लगेगा। आप ठीक कह रही हो जिट्टी, अब जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। हाँ तो मैं चलूं? तुम अपना ध्यान रखना। जीजी, इसके दाव ने कब चलना सीखा था बताओ ना। जीजी, बलराम को कितना समय लगा था? समझ लो कान्हा जितना ही था। पर तुम चिंता मत करो यशोदा, शीघ्र ही ये भी। ना ना, मैं ना घबरा रही, आप निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ भाभी, सुलक्षणा चाची के साथ गौशाला जाना है। सब ठीक है ना गंस? ठीक है ना गंस?
कहां गई? अभी तो यहीं थी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। सरलता से मिले या कठिनाई से, एक सप्ताह में मिले या एक वर्ष में, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। दिखा, पाँव तो ठीक लग रहे हैं तेरे। अरे मैया, मेरे सब अंग ठीक हैं। मुझे तो कोई समस्या ना दिख रही, फिर चल क्यों ना पा रहे है तू? अभी तो जे छोटा है। छोटा? वो शांति है ना, उसका लल्ला इससे 2 सप्ताह छोटा है। आज मंदिर में स्वयं चल के आओ मेरे पास लड्डू खाने। तो मेरी भूली यशोदा रानी, सारे बालक एक जैसे ना होते, कुछ को दूसरों से अधिक समय लगता है चलना सीखने में। अब मुझे ही देख लो, उपनंद भैया ने बताई थी कि मुझे बहुत विलंब लगा था चलना सीखने में। पर कान्हा मुझ पे गए थी, मैंने तो बहुत शीघ्र चलना आरंभ कर दिया था। फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम शीघ्र ही कान्हा को चलता हुआ देखेंगे फिर। हा? कैसे? रोहिणी जीजी ने कही कि इसके तन का संतुलन बनाना इसे सीखना पड़ेगा, और इसके पाँव भी तन का भार संभालने योग्य होने चाहिए, शक्तिशाली। सुधा, मुझे पता है जे कैसे हो पाएगा। क्या करना है? वो मैं संभाल लूंगी, आप बस लल्ला को संभालो तनिक। मैं अभी आई। कान्हा तैयार हो जा, जब तक तू चलना ना सीखेगो तेरी मैया शांति से सांस ना लेगी। यही तो चिंता है बाबा। जे क्या है? जे है शक्तिवर्धक तेल। मुझे मैया पर पूरा विश्वास है बाबा, पर आप पूछो तो सही कि ये क्या कर रही है। यशोदा, तुम करने क्या वाली हो जे तो बताओ। अपने कान्हा के पाँव में शक्ति भरने वाली हूँ। इतना करने की तो आज्ञा है ना इसकी मैया को कि ना है? मैंने कब कही आज्ञा? अब मैया को और उसके लल्ला को अपना कार्य करने दो, और व्यवधान तो मत ही डालियो आप। चल लल्ला, आजा। देखियो लल्ला, कैसे तेरे पाँव शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर तू चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। देखो तो सही मैया और लल्ला कर क्या रहे अंदर। जे भील बाबा का जो तेल है ना, इससे तेरे पाँव घोड़े के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे भाई बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहे हो? ये
तेल यहाँ क्या कर रहे हो? लल्ला लग तो है तुझे ही ना, तेरे बाबा को भी तेल क्या सकता है? इनकी आप जानो मैया, पर मेरा अंग मर्दन तो हो गया ना आज के लिए। संकरी मौसी बता रही थी कि शांति ने अपने लल्ला को जेही वाला तेल लगाया था, इसीलिए तो मेरे काना से पहले चलने लगो, नहीं तो मेरा राजकुमार किसी से कम है क्या? अब प्रयास करें, हाँ? चल, हाँ हाँ, चल, आजा। आजा लल्ला, चल। लल्ला, आजा, 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 आजा। अच्छा तेल से शक्ति मिलती है यशोद, चमत्कार ना होते जी, कितना भी अद्भुत क्यों ना हो इसका प्रभाव दिखने में समय तो लगेगो ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं प्रतिदिन मालिश करूंगी अपने लल्ला की। सोच ले यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें, अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, से नहीं मिलेगा। कहा था ना सरलता से कुछ भी नहीं मिलेगा, और तुमने तो अभी से ही पराजय स्वीकार कर ली। रुको, क्यों जा रही हो? निकट आओ। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, तुम जानती नहीं हो कौन हूं मैं, मथुरा नरेश कंस, मैं जो चाहता हूं उसे पाता हूं। और ये लक्ष्य ये भी अपवाद नहीं बनेगा, इसे जीत कर रहूंगा मैं। Yeah.
मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर जो लगा दी आपने मथुरा नरेश। इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो ना जाने कितना समय लग जाएगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किस सोच में डूब गए? जो चाहिए आगे बढ़ो और प्राप्त कर लो। मैं या वो क्षमा करियो लल्ला, तू चलना सीख पाए इसलिए बार बार गिरने पर विवश कर रही हूं तुझे। लगता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। अवश्य ही तुझे आवश्यक पोषण ना दे पाई मैं। यशोदा, व्यर्थ ही तुम स्वयं को दोष दे रही हो। खाना को थोड़ा समय दो, अपने आप ही चलने लगे हो। बहुत अच्छे से चलेगो। मैं प्रयास कर रहा हूँ मैया, और एक बात बताऊँ, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। यशोदा, तुम मैया हो, बालक का पालन पोषण कैसे करना है जो मुझसे अधिक समझती हो, है ना? मैंने कहा था ना, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। अनेक बार कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। कंस के हृदय को जो भाता है कंस उसे अवश्य पाता है। जो चाहिए था जो मिल गया ना तुम्हें। क्या हुआ मथुरा नरेश, मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? तुम्हारे भी अनेक कर्म अनेक व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम, कहना क्या चाहती हो? जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? हाँ जानता हूँ, बहुत अधिक श्रम करके और असहनीय थकान सहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। झूठ, अनेक झूठ। तुम यहाँ अनेक निर्दोषों की बलि चढ़ाकर यहाँ पहुँचे हो ना? हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर। बस, बस। मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई। मैंने केवल इन्हें एक दायित्व सौंपा था जिसे ये पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इनकी मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं, इन सब का है। किंतु
तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो? नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए। पोषक तत्व भरपूर होते हैं इसमें। करछुल कहाँ रख दी? रोक सकता मुझे कोई। बड़ा होगा तो हाँ क्या आप अपनी मैया की सहायता करने लगो? आजा 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 लल्ला। कौन है ये? छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल देवकी की आठवीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्ना सा बालक होना चाहिए था। मेरा काल। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने? और देख आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल अब चल के बाबा को दिखाते हैं
और तू भी चल, सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में। अच्छे ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो, इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। अब देखना सब कैसे मेरा काना ठुमक ठुमक के चलेगो, और इसके पग रखने की ध्वनि ने तुम सबकी हृदय गति ना बढ़ा दी ना, तो कहना। सबको दिखा दे कि यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गयो। चल आ। प्रणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन के बदले धन और उपकार के बदले उपकार, ऋण नीति तो यही कहती है तृणाव्रत। तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा।
नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा। यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो। चल आ। पर हाँ, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है, तो सोच लो, समझ लो, तोड़ तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। मैंने कही थी ना यशोदा जी, बहुत शीघ्र चलने लगे हो, देखो। तनिक और एक बार निकट आओ तो सही, जहां तक मेरी पहुंच है बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाओ। ना लल्ला, इस सीमा के बाहर ना जाना है। मैया सही कह रही है पुत्र, तनिक बड़ा हो जा फिर जाना। बाहर जाना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी ना, बहुत प्रतीक्षा करनी है अभी। हाँ नहीं तो प्रतीक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है, पर कब तक? कभी ना कभी तो मेरे पहुंच तक आओगे ही। उचित अवसर की ताक में अब से प्रतीक्षा मेरी आंखों में बसेगी। नंदलाला, दिन हो या रात, आज से मेरी आंखें सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी।
महाराज कहाँ चले गए थे आप? और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं हस्ती। स्वामी आप स्वस्थ तो है ना? पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। पर अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। देख लन्ना, तेरे जन्मदिन के दिवस के दिन सारी गोपियां कितना सज धज के आई है, देख लो। तेरे जन्मदिन के स्नान की तैयारी यहाँ चल रही है और तू है कि बाहर, देख रो है। मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंध? आप तो प्रसन्न हो ना, लल्ला का पहला जन्मदिन है फिर भी उत्सव छोटो ही रखो है मैंने। चले उत्सव समाप्त हो जावेगो जानकी, शीघ्र चल चल। वैसे बरसाना जाने की क्या आवश्यकता थी, मावा तो गूगल में भी मिल जातो। मिठाइयों के लिए सबसे उत्तम मावा चाहिए था उन्हें। नहीं तूने सही कहा, उत्सव का आनंद तो पक। क्या होगा? कछु ना, मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सव का आनंद तो पकवानों से ही आता है। हाँ, जन्म दिवस का उत्सव नहीं मरण दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गोकुल में। लल्ला उत्सव तो भीतर है, तू बार बार बाहर क्या देख रहे है? कान्हा तैयार हो जा, आज ये सारी गोपियां मिलकर तुम्हें स्नान करवाएंगी। पहले पूरे गांव का विनाश करूंगा, फिर उस बालक पर विपत्ति बनकर टूट पड़ूंगा।
आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है। इसीलिए जिसे आपने भेजा है उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर असफलता का संदेह भी मृत्यु का वरण कर लेता है कि कहीं तृणाव्रत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणाव्रत? वही तृणाव्रत जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणाव्रत को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो तीन बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मुझे तो कुछ चिंता की बात ना लग रही। पल भर को मुझे ऐसा लगो कि जैसे भयंकर रूप। बिगड़ ना रहो है, सुहावना हो गो है। मेरे कान्हा का जन्मदिन है ना, तो तीव्र वायु चला के प्रकृति बधाई दे रही है। विनाश के संकेत दे रही है मैया, ये सावधान होने का समय है। मैं चलती हूँ जशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी है। संक्री मौसी, मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतनी शीघ्र क्यों जा रही हो? अरे जानकी कस्तूरी, तुम सब कहाँ चली? भाभी, जाने का मन तो मेरा भी ना है, किंतु जाना पड़ेगा। घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने। हाँ भाभी, और मुझे भी देखना पड़ेगा कि घर पे सब ठीक है कि ना। क्षमा करियो जीजी, मैं चलती हूँ। यशोदा, लगता है मैं द्वार और झरोखे खुले ही छोड़ आई हूँ, जाकर संभालती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और बलराम भोजन के समय से पहले ही आ जाएंगे। सुलक्षणा, तू भी? मेरे पापड़ बाहर चटाई पर सुखाए थे, इधर उधर हो गए तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। पर कान्हा के जन्मदिन का भोज तो खाने आ जाना। अरे कोई आए ना आए, मैं तो अवश्य आऊंगी, और सबसे पहले भोजन व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगी मैं। हाँ यशोदा, मैं अभी तनिक गौशाला देख कर आता हूँ। बंसी चलो। जाने दो सबको लल्ला, तेरे जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए
मैया और लल्ला हम दोनों ही पर्याप्त हैं। बात तो सही कही मैया, पर मुझे तो इस अनचाहे अतिथि को भी संभालना है। अन्नप्राशन से पहले भी यही हुआ था और आज भी अचानक प्रकृति देवी क्रोधित हो गई है। हे नारायण, ये उत्सव के समय ही कोई ना कोई विघ्न क्यों आ जाता है? मैं तो बस तेरा जन्मदिन विशेष बनाना चाहती हूँ लल्ला। मेरा बस चले तो सारे संसार को विवश कर दूं कि ये दिन उत्सव के जैसे मनाए। पर मैं तो अपना जन्मदिन आपके साथ मनाकर ही प्रसन्न हूँ मैया। अच्छा जी, तो तू भी अपना जन्मदिन केवल अपनी मैया के साथ मना के ही प्रसन्न है? तो बता पहले क्या करें, गीत गाए कि नृत्य करे, बता। मैं संगीत बजाऊं प्रभु? आनंद आ रहा है? आज तेरा जन्मदिन है काना, जितना मन करे उतना उड़। ये असुर तो मेरी आशा से भी अधिक निकट आ पहुंचा है। मैया के सामने इसका सामना कैसे करूं? है वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो तृणावर्त जिसके काल ने स्वयं पुकार कर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ऊंचाई से गिरकर जब वो प्राण त्यागेगी देखने में बहुत आनंद आएगा। जिस कंठ से तुमने ये अपशब्द मेरी मैया के बारे में कहे हैं, आज उसी कंठ से तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा त्रिनावर। ये मैया के सम्मान के लिए एक पुत्र का वचन है। महाराज कंस को वचन दिया है मैंने, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। इतना भारी कैसे होगा? हाँ, या मैं ही थक गई। चल लल्ला,
बैठ के खेलते हैं। हाँ बच्चा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? मैं मैया के सामने त्रिनावर्त को नहीं आने दे सकता, और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी। वायु तीव्र हो रही है लल्ला, भीतर चले। एक उपाय है बहन योगमाया, सहायता करो ना। जसोदा इसके जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना बहन। मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ, और हाँ इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना, ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। आपकी सीख बहुत काम आई मेरे, जैसा आपने बताया था ना वैसी मालिश करती हूँ इसकी। मैं तो बताना ही भूल गई, कान्हा नाम है इसका। वैसे तो कृष्ण नाम रखो है, पर आप भीतर आइए ना। धन्यवाद बहन, बस अब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना कर लूं। अब आओ त्रिनावर। मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या त्रिनावर? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ। सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है। अब तो और भी आनंद आएगा इस युद्ध में। तेरी हत्या करके कंस के दरबार में आज के युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा मैं। जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई, वो कार्य ये करके दिखाएगा। महान राक्षस योद्धा तृणावर्त। देखना ऐसे दबोच लेगा तृणावर्त उस बालक को अपनी मुट्ठी में। Ha ha ha!
खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर भूमि पर फेंकूंगा, तब कैसे मुस्कुराएगा विष्णु अवतार? आज तृणावर्त उस दुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा और तब तब उत्सव मनाइएगा महाराज। आने वाले सुख की कल्पना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता, भाग्य को बुरी दृष्टि लग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तृणावर्त अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगा, पर कार्य पूरा होने के बाद उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी मानी जाती है महाराज। कुछ अधिक ही बोलने लगी हो। चुई मुई सी प्राप्ति के मुख में उसकी जीव अपना अस्तित्व खोजना चाहती है, उसे सीमा में रखो। आप तो कछु खा ही ना रही, तनिक तो लो। चक्कर बताओ कैसा लग रहा है, मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूं। जसोदा, हाँ? छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ, आप यही रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगू मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई आज तक भला। कान्हा, 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 कहाँ गयो, कहाँ गयो, कान्हा। अद्भुत है अपनी संतान के लिए इस माँ की ममता, अपनी सुरक्षा का ध्यान तक नहीं है, परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महाभयंकर झंझवात से लड़ने चली गई है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भ्रमण के लिए ले जा रहा हूँ? रुक, तुझे और ऊपर ले जाता हूँ, तभी तुझे ऊंचाई से गिरने के भय का अनुभव होगा। बोला बंदी! कान्हा! मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ बालक, तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे, और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो, वो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। वाह तृणावर्त वाह! इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। मैं प्रभु की सहायता के लिए जाऊं या नहीं? इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। इसे मेरी मुस्कुराहट से चिढ़ है, तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र। Thank you.
मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। यदि होगी तो ये सदैव की तरह मेरा स्मरण अवश्य करेंगे। तब तक उचित क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ऐसी भीषण आंधी आज तक गोकुल में ना आई। मुझे लल्ला और यशोदा को संभालना होगा, कहीं वो भयभीत ना हो जाए। ओला बाजी, नंजी। यशोदा। काना ना मिल रहा, काना कहाँ है? कहीं मिल रहा है? कहीं मिल रहा है? लल्ला। ओला बाजी मिल रहा। लल्ला। बोला पंची, चल पंची उठो, बोला बोला उठो, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कान्हा कहाँ है? नंदा जी, आंधी में कान्हा की रक्षा करने का प्रयास किया था हमने। प्रयास किया था, इसका क्या अर्थ है? रानी भाभी, हमने देखो कि बहुत तीव्र आंधी आ रही थी। हम कान्हा को बचाने के लिए भागे भी, परंतु हमारे पहुंचने से पहले ही हमें भयानक आंधी ने घेर लियो और हमें उठाकर यहाँ पटक दियो। ना जी, आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरा हृदय कह रहा है कान्हा ठीक ही होगा, किंतु है कहां? या सुधा कछु न होगा काना को। काना, चलो ढूंढो काना को। काना, बड़ी शीघ्रता है तुझे यमलोक में जाने की, तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है। तनिक ठहर, और अधिक ऊंचाई पर ले जाकर फेंकूंगा तुझे, तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी। चलो त्रिनावर, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे। जाने वाले थे मुझे। अचानक पहाड़ जितना भार कैसे आ गया इसमें? अभी से घबरा गए त्रिनावर, अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। त्रिनावर, फेंक दो उसे। लला, कान्हा, कान्हा, हमारे कान्हा को कुछ ना हो सकता, वो ठीक होगा ना जी? कहाँ गया कान्हा? इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली? बस बहुत हुई तेरी माया, अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा त्रिनावर, समय आ गया है। क्यों?
छोड़, मुझे छोड़। अवश्य छोड़ूंगा जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्ना सा बालक, नन्ना सा बालक ऋणा व्रत का बद्ध कर रहा है। मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। पंछी तुम उस तरफ देखो, बोला तुम उधर जाओ। काना तुम चिंता ना करो यशोदा, मिल जाएगा हमारा कान। तुम रुक कर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा लल्ला को। ना रुक कर प्रतीक्षा ना होगी मुझसे, मैंने अकेला छोड़ा था उसे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो काना। नहीं त्रिनावर्त, लल्ला काना छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। काना काना कुछ पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम असुर त्रिनावर्त और अब मेरे भक्त सहस्राक्ष, जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्राक्ष थे, तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी, तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। Thank you.
राजा संतराष्ट्र। एक ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा। मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम, ये मेरा श्राप है तुम्हें। दया महर्षि, दया मुझे, अहंकारी पर दया कीजिए, मुझे अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो, सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी, स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था शास्त्राक्ष, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कान्हा, अब ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ मैया। कान्हा, अब ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ मैया। कान्हा, कान्हा के मोर मुकुट का पंख। ये तो कान्हा के मोर मुकुट का ही पंख, ये यहाँ कैसे? केवल मेरे मन में ही ना, मेरी आंखों में भी बस हो मेरा कान्हा, ये उसके मुकुट का ही पंख है। और उधर जाए हुए ये क्या किया मैंने? मैया तक पहुंचने की शीघ्रता में मैंने उन्हें यहाँ का संकेत दे दिया, पर यहाँ तो तृणावर्त का शव पड़ा है। कान्हा, यदि मैया ने मुझे ऐसे देख लिया तो उन्हें मेरी दिव्यता का आभास हो जाएगा, फिर मैं उनका कान्हा ना रहकर भगवान बन जाऊंगा। सहायता, सहायता चाहिए मुझे, सहायता चाहिए मुझे। मिल गया संकेत। चिंता मत करो भैया, अब ये बहन सब संभाल लेगी। कान्हा, कान्हा, कान्हा।
मेरा कान्हा, मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो ना तुझे? कुछ ना हुआ लल्ला को, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कहाँ चला गया थप्पी मैया को छोड़ के, बोल। हाँ माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लल्ला को बचा लियो, बहुत बहुत उपकार आपका। पर आप यहां, जब तुम कान्हा को ढूंढने निकली थी तो मैं भी पीछे पीछे निकल गई थी इसे ढूंढने। जेनेट खट, यहां मिलो है मुझे। किंतु ये यहां कैसे? यशोदा, ये प्रश्न उत्तर का समय ना है, चलो घर चलते। थकान, भूख, न जाने क्या क्या सह रहे हो ये नन्ना सा लल्ला। जाओ जाओ घर जाओ, इसे और तुम सबको विश्राम करने की आवश्यकता है। उतना काकासुर शक्तासुर, अब तृणावर्त, अब बस भी कीजिए, संभालिए अपने आप को, पीछे थोड़ा सा जल पीछे। उतना काकासुर तृणावर्त, स्वामी को क्या हो गया? तुम ही सहस छोड़ दोगी तो महाराज को कौन संभालेगा? चिंता मत करो, महाराज को धक्का लगा है, वो ठीक हो जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। महाराज, स्वामी आओ। नहीं स्वामी, होश में आइए। अस्ति, मैंने कहा ना चलो। नहीं, मैं स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो मुझे। न जाने क्या क्या उड़ गयो, हानि धीरे धीरे पता चलेगी। कितो के तो घर भी उजड़ गए, मेरे घर का तो पूरा दरवाजा ही टूट गयो, ना इस हीरे से जोड़ना पड़ेगा। आप चिंतित मत हो मैया, अब सब ठीक है। मेरा लल्ला अकेला था यार, इतने विनाश का सामना अकेले क्यों है इसने? कितना मैं भी तो गया होगा इसे सब देख के। मुझे किसी असुर से भय नहीं लगता मैया, मेरा भय तो बस यही है कि आप भयभीत ना हो जाओ और विचलित होकर कोई निर्णय ना ले लो। मेरे कारण हुआ है जैसा, मैंने अकेला छोड़ दिया था इसे। आप ले लो जीजी, मैं इसकी मैया कहलाने के लायक ही ना हूं। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कछु ना है, जे होगो सो होगो, जाने दो उस बात को। ना, भूल तो हुई है मुझसे, कौन सी माँ अपने लल्ला को ऐसी चक्रवात में अकेला छोड़कर भीतर चली जाती है? उस दिन सुमति और संकरी मौसी उज्जवल को भूलकर चली गई थी, कितना क्रोधित हुई मैं उन पर, और आज मैं अपने ही लल्ला। यशोदा,
तुम्हें पता है कि भूल को भूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे शीघ्र ही भुला देना चाहिए। और वैसे भी नारायण की कृपा से हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक है, कछु ना हुआ उसे। हो तो सकता था ना जी, जब जब कोई शुभ अवसर आता है तब तब कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। उचित कह रहे थे आप, हमें भव्य उत्सव करना ही ना चाहिए, इसी कारण से मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाती है। सच्ची बात तो ये है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं हट करती थी, पर अब ना आज के बाद इस भवन में कोई बड़ा उत्सव ना हो, कोई आमंत्रण ना जाएगा, कोई घी के दिए ना जलेंगे और कोई मिठाइयां ना बटेंगी। अपने लल्ला की रक्षा के लिए अपनी प्रसन्नता पर पहरा बिठा लूंगी मैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, पर अभी शांत हो जाओ। कैसे नंद जी, कैसे शांत हो जाऊं? आज ऐसे लगो जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई है। मुझे अपने लल्ला की रक्षा के लिए और सतर्क रहना चाहिए, और मैं उनकी भूल पे भूल किए जा रही हूं। बाबा, अब सत्य आपको पता चल गया है, अब आपको ही मैया को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। माँ की ममता के आगे मैं भी विवश हूँ, इस बार तो आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, पर मैं करूँ क्या? तुम सब क्या देख रही हो? हाँ, कोई उत्सव ना हो रहा यहाँ, इस मैया को अपने लल्ला का ध्यान रखना आता ही ना है। कान्हा की मैया कहलाने के योग्य ही ना हूँ मैं। हटो। मैया, मैया, मैया। उंगलियां है पंथ जिसकी, क्या कही तूने? फिर से बोल। मैया अनंत उसकी, तूने? सुनो ना तुम सबने, इसने पहली बार मुझे मैया कह के पुकारो है। सुलक्षणा जानकी कस्तूरी सुना ना? हाँ जी, सुना ना आपने, इसने पहली बार हमें मैया कहा। सुनो यशोदा, पर आज तुम भी सुन लो, आज के बाद ये संदेह कभी मत करना कि तुम
तुम लल्ला की मैया कहलाने के योग्य ना। जिस सबको सुनने के लिए इतनी तपस्या, इतना पूजा पाठ, इतने जतन किए हमने, उस सबको सुनकर मेरा हृदय फूले ना समारोह है। मन कर रहा है कि उत्सव हो। ना उत्सव ना होगो, आज मेरे लल्ला ने मुझे पहली बार मैया कह के पुकारो है। इसका अर्थ तो यही है ना कि मुझे इसकी मैया बनने का कर्तव्य और अच्छे से निभानो है। आज जो विनाश हुआ है ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है, कौन है, वो सब मैं ना जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मेरा लल्ला संकट में है, और इसीलिए मैंने एक निर्णय लियो है। कैसा निर्णय है सुधा? यही कि अब से मैं कान्हा को घर के भीतर ही रखूंगी। हाँ, क्या? यशोदा, कान्हा की सुरक्षा के लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता है नंद जी, बस यही भय था मुझे कि आप विचलित होकर आतुरता में कोई निर्णय ना ले लें। यशोदा, यदि लल्ला बाहर ना जाएगो तो तू संसार के बारे में कैसे सीखेगो, कैसे पता चलेगा उसे? आप बता देना, किंतु आज के बाद मेरा लल्ला नंद भवन के देहरी के बाहर पाँव ना रखेगो। इतना कड़ा निर्णय मत लो मैया। आज से हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा मेरा कान्हा। सोते जागते इस पर दृष्टि रखूंगी मैं, जो भी आवश्यक होगा मैं सिखाऊंगी इसे। प्राप्ति नहीं, नहीं प्राप्ति। यही सिखाया था मैंने तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि उन पर नियंत्रण रखो, ध्यान रखो उनका। भय का बहुत बड़ा असर पड़ता है उनपे। शीघ्र ही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सिंह उस वन में कोई और नहीं, और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सिंह को गीदड़ बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ, क्या करना है, कैसे सुझाव देने हैं, क्या मंत्रणा करनी है, सब समझाया था मैंने तुम्हें, पर तुम असफल रही। देखो उन्हें कैसे पराजित जुआरी की तरह अपना सारा साहस गवाकर शीश झुकाकर नीचे बैठे हैं वो। जानती थी मैं कि दूसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाह किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि महारानी बनना था मुझे, जीवन का सुख चाहिए था मुझे, सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उस विष्णु अवतार के कारण लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही विधवा बन जाएंगी। सुनो जी, मेरी एक विनती है आपसे, मना मत ही करना। आप जो कर रही हूं वो करने दो, बस आप आज्ञा दे दो। मैया ने निर्णय ले लिया है। जो तुम्हें उचित लगे तुम करो यशोदा। महाराज कंस की मृत्यु के बाद उनके सहयोगी मंत्री सेनापति हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को।
और ये सब होगा तुम्हारे कारण अस्ति। नहीं नहीं, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। क्षमा कायरों की लज्जा होती है अस्ति। मुझे चाहिए साहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मुझे भय लगता है, महाराज से नहीं अपने क्रोध से। क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई तो तलवारें मयान से बाहर निकल आएगी, या तो महाराज की मृत्यु होगी या तो मेरी। मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति, बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मौन धारण करो, मौन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा, उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो मथुरा नरेश कंस है और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वही है कृष्ण। कितने वर्ष बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में। हर सुबह लगता था कि तुम आज मिलोगे, पर तुम कभी नहीं आए। आज फिर आशा बांधी है, तोड़ मत देना कृष्ण। वर्षों से तुम्हारे लिए योजना बनाकर रखी है मैंने, आज उसे पूरा अवश्य करूंगी। मैं अपने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत करूंगी आज। आओ कृष्ण, ये हाथ तुम तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं, बाहर आओ। आओ कृष्ण, आओ। आज भी निराश कर दिया। कब आएगा वो दिन जब तुम मेरी पहुंच में होगे? कब? सारा संसार आपके दर्शन करके अपना दिन आराम करता है, पर क्षमा करियो सूर्यदेव, इस मैया के मन को तो शांति केवल अपने लल्ला के मुख के दर्शन करके मिलती है। हे तुलसी मैया, आप तो इस मैया की दुविधा अवश्य समझोगे। आपको तो पता है ना, नित्य के जैसे आज भी कान्हा बाहर जाने के लिए हट करेगो, या फिर किसी ना किसी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करेगो। इसीलिए इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं उसकी मनोहर बातों की फेर में ना आऊं और आज फिर से उसे मना कर पाऊं।
अब करेगी जसोदा अपने कान्हा के मुख के दर्शन और फिर खोलेगी अपनी आंखें। होर हो गई कान्हा, चादर से बाहर निकल और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखा दे अपनी मैया को। मेरा मुंह देख के चिल्लाए क्यों? नहीं वो तुम इतने भयानक लग रही हो क्या मैं? ना, आज तो तुम प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक सुंदर लग रही हो। लग रहे है मानो भोर की किरणें सूर्यदेव से नहीं तुमसे फूट रही हूं। झूठी प्रशंसा मत करो आप, और ये बताओ मेरे लल्ला के बिछौने पे आप क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे लल्ला नहीं गई थी उसके बिछौने पर सोने के लिए, ताकि वो तुम्हारे साथ सो सके। अब जाकर उसकी शैतानी समझ में आई मुझे, और ये शैतानी अच्छी लग रही है मुझे। आज सर्वप्रथम तुमने मेरो और मैंने तुम्हारा मुख देखा, लग तो है आज को दिन प्रेम के रस में भीग कर मीठा हो जाएगा। दिन तो तब आरंभ होगा पतिदेव, जब आप मेरे लल्ला का बिछौना छोड़ोगे और बताओगे कि कान्हा कहाँ है। ये तो रहा कान्हा,